लिटरली नींद में था एंड सुबह कोई कॉल करके बोला फ्लिपकार्ट से आपका ऑर्डर है। मैंने तो कुछ मंगाया नहीं है, आया कि बोला नीचे रख दो। अभी जब होश में आया तो मैं चेक किया कि मैंने तो कुछ मंगाए थे नीचे था क्या, तो अभी मेरी दोस्त स्मारकी ने बोला कि मैंने भेजा है, पता नहीं क्या भेजा है इसने, रूम जाके अनबॉक्स करते हैं। Hey guys, welcome back to the channel with a new vlog on a new day and with a new energy to start the day. देखते ही देखते सैटरडे आ चुका है एंड मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि इस वीक मेरे को अपनी स्लीप शेड्यूल टाइम टेबल रूटीन सब सही करनी है। सैटरडे हो चुका है एंड मैं उठाऊँ 12 बजे। कोई नहीं, मंडे से हम लोग अच्छी शुरुआत करेंगे एंड प्रॉपर उसको मेंटेन भी करेंगे। सो आई होप फॉर द बेस्ट। कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत जोर की भूख लगी, नीचे चल के कुछ खाता हूँ। पीजी में पता नहीं एक सोया चंक्स करके क्या बना था ना, अच्छा लगा नहीं, इसलिए राहुल वो हम दोनों आ गए इधर खाने के लिए। सैंडविच मैंने पनीर चीज़ सैंडविच मंगाई, उसने चिकन चीज़, पनीर चीज़ और चिकन चीज़। अभी जस्ट मैं यूट्यूब सर्फ कर रहा था एंड एक चीज़ मेरे को मिली, दमन मूवी की ट्रेलर आ चुकी है हिंदी में। मैंने वो मूवी को उड़िया में देख ली थी, मैंने और राहुल गए थे, हम लोग दोनों ही गए थे बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा उड़िया दोस्त तो हैं नहीं, तो वो समझेंगे भी नहीं, इसलिए हम गए थे वो मूवी को। काफ़ी ज़्यादा हाइप हुई थी उस टाइम पे, बट हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी करके बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, लेकिन उसका ट्रेलर अभी रिलीज़ हो गया एंड कुछ ट्रेंड भी कर रही है मैं जब देख रहा था। एंड वो जो डबिंग वबिंग हुई है ट्रेलर से, तो मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही चीज़ देंगे, बिकॉज कभी कभी ये चीज़ होता था ना कि जब हम कोई तेलुगु या तमिल मूवी की डब्ड देखते हैं तो ऑलमोस्ट, या फिर इंग्लिश मूवी की ले लो अगर उसकी हिंदी डब्ड देखोगे तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है वैसे लगता है, बट इसमें वैसा नहीं लग रहा है बिकॉज ऑलमोस्ट डायलॉग एग्जैक्टली सेम वे में ट्रांसलेट किए गए एंड अच्छी से उसका डबिंग की गई है। तो उस चीज़ को अगर आप नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ट्रेलर का, वो जाके देख लेना। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है या फिर हिंदी आप अच्छे से समझ सकते हो, ऑब्वियसली मेरा व्लॉग देख रहे हो तो समझ भी रहे होगे, बट एनीवेज अगर हिंदी आपको अच्छे से आ रही है और समझ पा रहे हो तो प्लीज़ गो टू द नियरेस्ट थिएटर वेन एवर इट इज़ रिलीजिंग। रिलीजिंग डेट मैं चेक नहीं किया हूँ, याद नहीं, बिकॉज मैं तो मूवी देख चुका हूँ, बट स्टिल मैं देखूंगा अगर मेरे को टाइम हुआ तो मैं हिंदी में इसको और एक बार देखूंगा। सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग को भी, आप लोग एक बार ट्रेलर को भी एंजॉय करो एंड ऑल्सो मूवी जब रिलीज होती है उसको भी एंजॉय करो, बिकॉज इट्स बीन अ गुड एफर्ट एंड बेस्ड ऑन रियलिटी, बेस्ड ऑन हिस्ट्री जो हो चुका है उसी के ऊपर है एंड नथिंग एडेड मसाला, मिक्स मसाला कुछ चीज़ नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। एंड पर्सनली मुझे भी अच्छा लगा, राहुल को भी अच्छा लगा था। एंड जब वो एक्चुअली में जब वो मूवी रिलीज हुई थी ना उड़िया में, तो वो प्रॉपर कोरापुट लैंग्वेज में जिस जगह से मैं बिलोंग करता ना उस जगह की तरफ का सिचुएशन था, तो ये प्रॉपर मज़ा आ रहा था जब वो लैंग्वेज को मैं सुन रहा था। तो मैं प्रॉपर कोरापुट से तो हूँ नहीं, लाइक आई एम फ्रॉम डिफरेंट प्लेस फ्रॉम ओडिशा, लेकिन कोरापुट में ज़्यादातर रहा हूँ, बट प्रॉपर कोरापुट लैंग्वेज मेरे को अच्छे से नहीं आता है। तो हम लोग का भी एक मस्त फनी सीन उधर बन रहा था, लाइक क्या क्या बोल रहे हैं ये प्रॉपर कोरापुट से है, तो हम लोग को लाइक बता रहा था कि ये चीज़ है वो चीज़ है इसका मतलब ये, एक दो वर्ड ऐसे आएंगे जो आपको समझेगा नहीं जब आप उड़िया में देखोगे, बट हिंदी को आप एंजॉय करना एंड इट्स माई रिकमेंडेशन, मेरे ऊपर डाल देना। मेरे को लग रहा है अच्छा हुआ 99.9%, बिकॉज मेरे को उड़िया में अच्छा लगा एंड ट्रेलर ऑलमोस्ट सेम चीज़ बता रही है। जाओ एक बार ट्राई दो एंड आई होप यू लाइक इट। ट्रेलर देखो, ट्रेलर देखे कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना कैसे लगा आपको ट्रेलर, मुझे तो मस्त लगा। बाकी मैं उसको अपने वीडियो में भी दिखा सकता, पता चला फिर कॉपीराइट क्या इश्यूज लग जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता वो सब चीज़ करने के लिए। मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको देख लेना। अभी तो फिलहाल थोड़ा काम है, काम खत्म करके जाता हूँ कहीं बाहर खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो अभी जस्ट निकले राहुल और मैं एंड आज हम लोग जा रहे हैं चूल्हा चौकी द ढाबा, वहाँ पे खाने के लिए। बहुत दिनों से बाहर कुछ नहीं खाया एंड वीकेंड में भी कुछ नहीं हो रहा है, तो जा रहे हैं थोड़ा मुंह का स्वाद ठीक करने। गुड सेल्फी। ओह डन। ये रोस्टेड के ऊपर, अबे प्याज नहीं है, वो टमाटर है। प्याज ही नहीं है बोला मैं। अभी ये प्याज ही है लेकिन इसके ऊपर कुछ डाले जो रेड हो गया है। नहीं जा स्नैप गुड करो, खुशी इज ऑल टाइम, कुछ आए ना आए स्नैप आना जरूरी है तेरा। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया, कस्टमर से ज़्यादा, ऑफ कोर्स लेट हो चुका है इसलिए कस्टमर से ज़्यादा उनके जो स्टाफ मेंबर्स ज़्यादा हैं। ये है चिकन अंगारा, ये चिकन हैदराबादी, पता चल गया ना कौन सा गार्लिक है कौन सा बटर नान। रसुन ओडिया में गार्लिक को रसुन, अबे वो रसुन इसका गार्लिक नान, उनका नॉर्मल नान, मेरा रोटी, और रोटी का मन क्या इसलिए, और ये लस्सी भी ले आए, लास्ट को पीने का मन था बट एक साथ ले आए। ये कैसा लगा लस्सी?
अबे तू कभी फोन तो हटा ले, खाने आई आराम से खा ना, फोन पकड़ के बैठ गई पूरे रेस्टोरेंट में, पूरे ढाबे में बोल सकता हूँ। इसका वेडिंग फोटोग्राफर आएगा भाई तू हटा ना भाई, ऐसी जिंदगी बहुत लग रही है शादी के टाइम पे, तू और फोटो उठा रहा है। ये मैं डालूंगा, ये मैं डालूंगा, सुन सुन सुन, विद्या विद्या मैं ये डालूंगा, तू लिंक शेयर करना अपने भाई के पास। देख अभी अच्छा मूड है, चार फोटो खींचे। मैं बोल रहा था कि पूरे ढाबे में हम लोग खा चुके हैं एंड कोई भी नहीं है सिवाय उनके स्टाफ के, और इनका लस्सी चल रहा है यही लास्ट। ब्रो सबसे पहले तू शुरू किया था पीना, ज्यादा भी मैं खाया हूं सबसे ज्यादा, वो देख के सोच रहा है भाई तू जल्दी, तू जल्दी से लास्ट वेस्ट भी तू नहीं कर रहा है। सुन अरे सुन सुन, अबे राहुल तू जल्दी लस्सी पी वरना वो सौंफ खत्म कर देगी उसके अंदर। हाँ ये देखो ये शुरू हो गए, महान व्यक्ति यही कर लो अच्छे से। मैं इसी जोन में रहता हूँ बैंगलोर के लाइक कुंदलाली गेट की तरफ, लेकिन यहाँ पे ACS लेआउट की तरफ इतनी गलियाँ गलियाँ हैं, मैं अभी तक 3 महीने में कन्फ्यूज हो चुका हूँ कि कौन सी गली कहाँ जाती है। बहुत देर बाद पता चलता है, एक एक रेस्टोरेंट देखे, जैसे कि ये रेस्टोरेंट देखे पता चल रहा है कि आगे से लेफ्ट लेने से अपनी पीजी आ जाएगी इस रास्ते पे। तो अब तक तो मैं पागल जैसे घूम रहा था कि ये रास्ता कहाँ जाती है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अभी टहलते टहलते जा रहे हैं, टाइम हो रहा है 11:30 एंड हम लोग ऐसे टहलते टहलते अभी जा रहे हैं लॉस्ट रोड, पता नहीं कौन से रास्ते में है। बट बस यही था इस ब्लॉग के लिए, जैसा भी था नॉर्मल डेज एंड ऐसे आज फ्राइडे नाइट था तो थोड़ा बहुत खाने गए थे, यहाँ पे थोड़े लाइट है, यहीं पे वीडियो एंड कर लेता हूँ। सो जैसा भी था व्लॉग, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड और कुछ अगर जगह होंगी तो मेरे को बोलना, जैसे मैं वीकेंड में विजिट कर सकूँ सिटी के अंदर, तो आई लुक फॉरवर्ड टू इट। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे रखता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगले ब्लॉग के लिए इंतजार कीजिए, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, टाटा बाय बाय। अरे यार ये लोग निकल गए, ब्लॉग एंड करने के चक्कर में काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन होगी लास्ट रोड पर।